हाउ टू हाइट वाईफाई नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। मेरा आज का वीडियो वाईफाई से जुड़ा है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने वाईफाई नेटवर्क को हाइट कर सकते हैं ताकि कोई भी आपके सिवाय उसका यूज ना कर सके। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने समय पर आप सभी के लिए ऐसे यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं जो आप सभी के लिए काफी यूजफुल साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से बहुत से लोग वाईफाई का यूज जरूर करते होंगे, काफी लोगों ने अपने घर पर वाईफाई के कनेक्शन लगा रखे हैं और वाईफाई का यूज करने वाले घर के अंदर बहुत से मेंबर होते हैं। हमारे जब दोस्त आते हैं तो वो भी उसका यूज करते हैं। अगर उनको वाईफाई कनेक्शन दिखाई देता है तो वो उसका पासवर्ड हमसे पूछते हैं। साथ ही साथ कुछ हैकर्स भी ऐसे होते हैं, अगर उनको वाईफाई नेम दिख जाए बहुत ही आराम से वो वाईफाई को हैक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने वाईफाई को हाइट कर देंगे तो कोई भी हैकर उसको यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उसे नेटवर्क ही नहीं दिखाई देगा तो वो उसे हैक कैसे करेगा। और जब आपका वाईफाई हाइट होगा तो कोई भी आपसे उसका पासवर्ड नहीं मांगेगा, चाहे वो आपका फ्रेंड हो चाहे वो आपकी फैमिली का मेंबर हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अपने वाईफाई नेटवर्क को हाइट कर सकते हैं। आप उसका यूज भी कर सकते हैं, केवल आप ही उसका यूज कर सकते हैं, कोई और उसका यूज नहीं कर पाएगा। मैं आपको पीसी और मोबाइल दोनों पर ही उसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा और उसको हाइट करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपना जो कनेक्शन कनेक्ट कर रखा है, ये देखिए, ये मेरा वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन है जो कि मैंने मयंक FTTH के नाम से बना रखा है। अब हमें इसी नेटवर्क को हाइट करना है। इस नेटवर्क को हाइट करने के लिए आपको अपने मॉडेम की सेटिंग्स ओपन करनी होगी। हर मॉडेम की सेटिंग्स अलग अलग होती है। मैं MI का मॉडेम यूज कर रहा हूँ तो मैं उसी मॉडेम को यहाँ से ओपन करूंगा। यहाँ जो मेरे वाईफाई रूटर का एड्रेस है वो MI वाईफाई के नाम से, आप सबका अलग अलग होगा, आप सबको मालूम होगा। हम 192.168.1.1 करके अपने मॉडेम की सेटिंग्स को खोलते हैं। तो आपका जो भी मॉडेम है आप उसकी सेटिंग को ओपन करिए और एडमिन पैनल पर लॉगिन करिए। तो मैं यहाँ अपने एडमिन पैनल लॉगिन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ मेरा एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। अब आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। आपके में कुछ इसी तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको वही सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा और आपको फिर वाईफाई सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। वाईफाई सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद देखिए अभी हमारा जो ये मयंक FTTH दिखा रहा है ये हमारे नेटवर्क का नेम है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मेरे नेटवर्क का नेम है। तो हमें इस नेटवर्क को अपना हाइट करना है। तो हाइट करने के लिए आप यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपको नाम याद होना चाहिए। अगर आपको नाम याद नहीं रहेगा तो फिर आपको अपने मॉडेम को रिसेट करना होगा। ध्यान रखिए आपका जो भी नाम है आप वो यहाँ रखिए। तो फिलहाल मैं यहाँ मयंक नाम लिख देता हूँ। मयंक नाम लिखने के बाद यहाँ देखिए मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हाइट नेटवर्क का, लेकिन आपके मॉडेम में यहाँ हाइट नेटवर्क की जगह एक ऑप्शन होगा अनेबल SSID ब्रॉडकास्ट का। तो आपको अनेबल SSID ब्रॉडकास्ट पे से टिक मार्क को हटाना है। आपका वहाँ टिक मार्क लगा होगा तो आपको उस टिक मार्क को हटाना है। यहाँ मैं हाइट नेटवर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे ये नेटवर्क हाइट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ हाइट नेटवर्क पे क्लिक कर दिया है। अभी फिलहाल मेरा यहाँ नेटवर्क शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ मैं सीधा सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको भी अपने मॉडेम को सेव करना है और देन ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, आपका मॉडेम अपने आप ही रिसेट होगा और जो आपने सेटिंग्स कर रखी है ये सेव हो जाएगी। तो अभी फिलहाल मुझे नेटवर्क शो कर रहा था मयंक FTTH का। अभी हम चेक करेंगे कि जो हमने ये मयंक वाला नेटवर्क बनाया है ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए हमारा यहाँ कनेक्शन डिसकनेक्ट हो चुका है, हम ऐसे कनेक्शन देख लेते हैं। देखिए अभी ये वाला नेटवर्क हमारा कहीं भी नहीं आ रहा है और हमारा जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो भी बंद हो चुका है, हमारा कहीं भी यहाँ नेटवर्क शो नहीं कर रहा है। अब हमें उस नेटवर्क को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए देखिए इसके नीचे आपका एक ऑप्शन बन चुका है अदर नेटवर्क का, तो आपको यहाँ अदर नेटवर्क पे क्लिक करना है। अगर आपके में ये ऑप्शन शो नहीं होता है तो नॉर्मली आप यहाँ ओपन नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। नेटवर्क एक सारी सेंटर खोलने के बाद देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आता है सेटअप ए न्यू कनेक्शन और नेटवर्क। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है
और देन आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मेमोरी कनेक्ट टू वायरलेस नेटवर्क, तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ वो नेटवर्क नेम डालना है जो आपने वहाँ हाइड कर रखा है, तो मैं वो नेटवर्क नेम डाल देता हूँ। नेटवर्क नेम डालने के बाद आप यहाँ से सिक्योरिटी टाइप VPA टू पर्सन सेलेक्ट करें। इसके बाद आप यहाँ अपना उसी नेटवर्क का पासवर्ड देखिए, तो मैं यहाँ पासवर्ड लिख देता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कनेक्ट इवन इफ द नेटवर्क इज नॉट ब्रॉडकास्टिंग, तो आपको इसी वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो नेटवर्क है कनेक्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ से इस पर टिक मार्क कर देता हूँ और मैं सीधा यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है यहाँ जुड़ चुका है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं आपको कोई वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए नॉर्मली मैं आपको अपनी ही वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ अपने नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए जो मैंने नेटवर्क हाइड किया था वो यहाँ अपने आप ही आ चुका है। तो ये मैंने आपको डेस्कटॉप के माध्यम से बताया कि आप किस तरह अपने हाइड नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप मोबाइल के अंदर अपने इस नेटवर्क को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए सीधा हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ये मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ से सेटिंग्स खोल के अपना वाईफाई दिखा देता हूँ कि वाईफाई के अंदर शो कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ से मैं वाईफाई ऑन कर देता हूँ। जो हमारा वाईफाई बना था मयंक के नाम से बना था, देखिए यहाँ अभी कहीं भी शो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ शो नहीं करेगा तो हम कनेक्ट कैसे करेंगे? अगर आपको अपने हाइट नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो आपको अपनी स्टार्टिंग में जाके एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड नेटवर्क का। तो अभी मेरे में ये ऑप्शन देखिए यही सेकंड नंबर पे दिखाया, सबसे नीचे हमको दिखाई दे रहा है ऐड नेटवर्क का। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा ऐड नेटवर्क पर। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना नेटवर्क नेम लिखना होगा, जो भी आपने नेटवर्क हाइट कर रखा है। तो मैं वो नेम यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ मैंने नेटवर्क का नेम लिखा है। अब मैं सिक्योरिटी में जाके इसको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और देन देखिए यहाँ इन्होंने पासवर्ड का ऑप्शन रखा है। तो मैं यहाँ पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ मैं पासवर्ड देता हूँ। यहाँ मैंने पासवर्ड लिख दिया है। अब मैं सीधा ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हमारा नेटवर्क यहाँ कनेक्ट होता है या नहीं होता है। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा यहाँ जो नेटवर्क है मयंक के नाम से कनेक्ट हो चुका है और मैं अपने मोबाइल पे भी उस हाइट नेटवर्क को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं आपको गूगल पे जाके अपने ही कुछ खोल के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ गूगल पे जाके हिंदी टैग के सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ फर्स्ट क्लास हमारा ये नेटवर्क काम कर रहा है। जो नेटवर्क मैंने हाइट कर रखा था वो यहाँ कनेक्ट हो रखा है। तो मैंने आपको मोबाइल पे भी दिखा दिया और आपको पीसी भी दिखा दिया। अब मैं आपको उसे अनहाइट करने का तरीका ही बताता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर दोबारा लेके चलता हूँ। ये हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं फिर से अपनी वाईफाई की सेटिंग यहाँ से देखिए मैंने ओपन कर रखी है। जो भी आपका नेटवर्क होगा आपको वहीं सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको वाईफाई वाले ऑप्शन पे हाइट नेटवर्क वाले ऑप्शन से क्लिक करना है और आपको भी जो ऑप्शन दिखाई देगा वो दिखाई देगा अनेबल SSID ब्रॉडकास्ट, तो आपको वहाँ टिक मार्क कर देना है। तो यहाँ से मैं हाइट नेटवर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सीधा सेव पे क्लिक कर देता हूँ और देन ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका मॉडेम अपने आप ही डिसकनेक्ट होगा। उसके बाद आप नॉर्मली वैसे ही कनेक्ट कर पाएंगे जैसे आप अपने इसमें कनेक्ट करते हैं। तो ये एक आसान तरीका है अपने नेटवर्क को हाइड करने का। कभी कभी हमारे सामने प्रॉब्लम होती है कि हम अपने नेटवर्क को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम किसी के साथ अपना वाईफाई शेयर करते हैं तो हमारी जो स्पीड है वाईफाई की वो कम हो जाती है। तो ऐसे में आप अपने नेटवर्क को हाइड कर सकते हो। अगर नेटवर्क किसी को दिखाई नहीं देगा तो कोई भी उसका पासवर्ड नहीं मांगेगा और ना ही कोई उसे हैक कर पाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आराम से अपने नेटवर्क को हाइड कर पाएंगे और अपने वाईफाई को सिक्योर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वाईफाई से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स के माध्यम से बताइए, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा वाईफाई से जुड़ी जानकारी देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।